जब भी आप गाड़ी में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए जाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इंजन चालू रखने से आग लगने का खतरा बना रहता है। और ये आप सब जानते हैं और आप में से ज्यादातर लोग ऐसा करते भी होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो का टॉपिक इससे एक कदम आगे का होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं दो ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा, या ये कह लीजिए कि दो ऐसी गलत आदतों के बारे में बताऊंगा जो जाने अनजाने में हम करते रहते हैं, और कई बार ये दो छोटी छोटी गलती किसी बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेती है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो जब हम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं तो पेट्रोल भरवाने से पहले हम अपनी गाड़ी का इंजन तो बंद कर लेते हैं, और उधर से पेट्रोल पंप वाला आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच आपके मन में एक इच्छा पैदा होती है, हमारे मन में एक इच्छा होती है कि हम ये देखें कि कितना पेट्रोल या डीजल हमारी गाड़ी के अंदर आ चुका है, और इसके लिए हमें अपनी गाड़ी का चाबी ऑन करना होता है। तो हम अपनी गाड़ी की चाबी ऑन करते हैं जिससे कि क्लस्टर में लाइट आ जाती है, और उससे हम ये देख पाते हैं कि हमारी गाड़ी में कितनी सुई उठी है, डीजल या पेट्रोल वाली जो मीटर वाली सुई है वो कितनी ऊपर उठी है, कितना डीजल या पेट्रोल आ चुका है। लेकिन इसी के साथ ही आप जाने अनजाने में अपनी गाड़ी में जितनी भी एक्सेसरीज है, जैसे कि हॉर्न है, हेडलाइट है, पार्किंग लाइट है, FM है, या और छोटी मोटी मोटर है जो कि बैटरी से चलती है, उन सब एक्सेसरीज में आपने पावर की सप्लाई दे दी है। और पावर की सप्लाई देने से क्या होगा, वहां पे एक चांस बढ़ जाएगा कि जैसे ही आप चाबी ऑन करेंगे तो अगर कहीं पे लूज वायर है, वायर आपका ढीला है, कॉन्टैक्ट कहीं पे ढीला है, या कहीं पे जोड़ है वायर में वो ढीला है, या कहीं पे नंगा तार है, तो ऐसी सब जगह पे एक चिंगारी होने का खतरा बड़ा रहता बन जाता है जब आप अपनी गाड़ी की चाबी ऑन करते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसी चाबी ऑन करने से वहां पे अगर छोटा मोटा स्पार्क होता है, शायद आप सोच रहे हो कि वहां पे स्पार्क ना हो, लेकिन वो स्पार्क कितना छोटा होता है, वो चिंगारी इतनी छोटी होती है कि हमें दिखाई भी नहीं देती। और अगर उस चिंगारी के पास कोई पेट्रोल की फ्यूम्स होगी, ज्यादा फ्यूम्स होगी, या वहां पे कुछ बूंद पेट्रोल की टपकी होगी, तो वहां पे आग लगने का खतरा बना रहता है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं और हम सीधे जाके बोलते हैं कि इतने का पेट्रोल डाल दीजिए या डीजल डाल दीजिए, और पेट्रोल पंप वाला डीजल या पेट्रोल डालना भी शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच में हमें याद आता है कि हमने तो अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट ही छोड़ दिया है, हमारी गाड़ी का तो इंजन चल रहा है, और आप झट से गाड़ी का इंजन बंद कर देते हैं। ये हमारी दूसरी बड़ी गलती है। जब आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर देते हैं तो तमाम तरह की जो एक्सेसरीज है आपकी गाड़ी में, जिससे कि बैटरी से पावर जा रही है या आपकी गाड़ी से पावर जा रही है, उन सब एक्सेसरीज में एकदम से लोड कम हो जाता है। आपकी गाड़ी की जो वायरिंग है, जो तार है, उसमें अचानक से लोड कम हो जाता है। तो अचानक से लोड कम होने से जहां पे भी लूज कॉन्टैक्ट होगा, या जहां पे नंगा तार होगा, या जहां पे ज्वाइंट होगा, उन सब जगह पे एक छोटा सा स्पार्क होने का खतरा बना रहता है। और ये स्पार्क कई बार इतना छोटा होता है कि हमें शायद दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि एक तो हम केबिन में बैठे रहते हैं, और दूसरा अगर वो हमारी आंखों के सामने भी होगा तो वो इतना बारीक होता है कि हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये एक बारीक सा स्पार्क, बारीक सी चिंगारी पेट्रोल के संपर्क में अगर आ जाए, पेट्रोल की जो भाप होती है, पेट्रोल से जो फ्यूम उठती रहती है, जिनको हम पेट्रोल की भाप कहते हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देती, शायद हमारे नाक से हम कुछ हद तक उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो फ्यूम्स अगर उस चिंगारी के संपर्क में आ गई तो वहां पे एक बड़ा दुर्घटना होने का चांस बना रहता है। आपने घरों में देखा होगा कि जब आप सर्दियों में हीटर चलाते हैं और आप दो तार हीटर के प्लग में लगाते हैं तो आपको एक स्पार्क, एक चिंगारी दिखाई देती है, और जब आप हीटर के तार आप प्लग से वापस निकालते हैं तो निकालते समय भी एक चिंगारी आपको वहां पे दिखाई देती है। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि चिंगारी दो ही टाइम पे सबसे ज्यादा होने के खतरा रहता है। एक तो तब जब आप उस पर लोड डालते हैं वायर पे, और दूसरा तब जब आप उस पर से लोड हटाते हैं। तो जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डल रहा होता है तब आपको ना तो अपनी वायरिंग पे ज्यादा लोड अचानक से एकदम लोड डालना है, और अगर उस पर लोड डला हुआ है तो ना ही आपको उस पर से लोड हटाना है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में वहां पे चिंगारी होने का खतरा बना रहता है और दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। तो अगली बार से जब भी आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल डलवाने के लिए जाए, तो जब तक कि आपका पेट्रोल या डीजल पूरा ना डल जाए और आपकी टंकी का ढक्कन अच्छी तरह से बंद ना हो जाए, तब तक आपको ना तो अपनी गाड़ी की चाबी ऑन करनी है, ना ही आपको गाड़ी का इंजन ऑन करना है। और अगर आप गलती से गाड़ी का इंजन ऑन ही रखकर पेट्रोल डलवा रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ भी नहीं करना है, बंद भी नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो दो बातें थी ये आपको आपकी लाइफ को और आपकी गाड़ी को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होगी। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी भरी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।